सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं ऐसा इन स्कोप जब हैंड्स और ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आप लोगों में से 95% लोगों को पता ही नहीं होगा। ये ट्रिक आप लोगों को क्या पता होगा, आप लोगों को पता होगा सिंपल सा ड्रैग हेडशॉट जिसमें आधा से ज़्यादा बाय बॉडी ही लगता है। बट गाइस आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको गाइस कोई भी इन स्कोप जब हेडशॉट वाली वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद इन स्कोप जंप हेडशॉट का किंग ही बन जाओगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यूएमपी का ओनली रेड नंबर्स मार सकते हैं, ओनली रेड नंबर्स गाइस। तो भाई लोग आप समझ ही सकते हो आज का ये वीडियो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अगर आप कहीं पर भी वीडियो को स्किप करते हो थोड़ा सा भी तो आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो सकता है जिससे कि आप इन स्कोप जंप हेडशॉट ट्रिक नहीं मार पाओगे। तो भाई लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिना स्किप किए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना एक लाइक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इन स्कोप जंप हेडशॉट के लिए 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसके बिना हेडशॉट मारना इम्पॉसिबल सा है। सो स्ट्रेट टू पॉइंट नंबर 1, बेस्ट गन कॉम्बिनेशन। तो गाइस इन स्कोप जंप हेडशॉट के लिए बेस्ट गन बताऊंगा जो कि बोथ शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज के लिए बेस्ट है, वो है XM8 एंड UMP। बट गाइस यहां पर जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं ना वो UMP के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, मतलब UMP के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट्स है, ठीक है। मतलब कि मान के चलो कि ये सब पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये UMP के लिए ही है, ठीक है, लेकिन ये XM8 में भी यूज़ हो सकता है या होता भी है। तो गाइस अगर आप मेरे दिए हुए पॉइंट्स को फॉलो करते हो ना तो अगर बंदा आपके पास शॉटगन भी लेकर आ जाए ना तो आप उसको UMP से इन स्कोप जंप हेडशॉट के साथ आसानी से उसको मार सकते हो, ठीक है। वो मैटर नहीं करता फिर चाहे वो लॉन्ग रेंज में हो या फिर शॉर्ट रेंज में। तो गाइस अभी हम बढ़ते हैं स्ट्रेट टू पॉइंट नंबर 3 की तरफ, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 जो है वो है कस्टम HUD प्लस सेंसिटिविटी, ठीक है। तो गाइस आप में से हर एक फ्री फायर प्लेयर को पता ही होगा कि यार कोई भी गन से हेडशॉट मारने के लिए सेंसिटिविटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप मेरा यहाँ पर सेंसिटिविटी देख सकते हैं, हम हर एक सेंसिटिविटी को 100 पे रखते हैं। तो आपको क्या करना है, जनरल सेंसिटिविटी को 100 पे रखना है, 2x स्कोप को भी 100 पे रखना है और रेड डॉट को भी 100 पर रख देना है। बस आपका इतना ही काम है, इस सबको 100 पर रख देना है, उसके बाद आपका हेडशॉट अपने आप लगने लगेगा, ठीक है। तो भाई लोग आपको इन स्कोप जंप हेडशॉट मारने के लिए आपको 2x स्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज 2x स्कोप एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट साबित होता है इन स्कोप जंप हेडशॉट मारने के लिए। और विदाउट स्कोप भी आप मार सकते हैं उसमें भी सही रहेगा, बट आपको 4x स्कोप यूज़ नहीं करना है, बिकॉज 4x स्कोप में इतना ज़्यादा चांसेस नहीं रहता है, बहुत कम चांसेस रहता है कि मतलब सबका सब गोली हेड पर लगे, ठीक है, और आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 2x स्कोप मारते हैं ना तो उसमें आपका सबका सब गोली जाके हेड में लगेगा और आपको ओनली रेड नंबर्स देखने में भी मज़ा आएगा और मारने में भी मज़ा आएगा। और गाइस एक बात आपको याद रखना है कि आपका जो कस्टम HUD है वो आपको छेड़ना नहीं है, ठीक है। आपका कस्टम HUD जैसे भी है जो भी है वो वैसे ही ठीक है, ठीक है, आपको उसको छेड़ने का ज़रूरत नहीं है। आपका कस्टम HUD जो है उसी में आप इन स्कोप जंप हेडशॉट ट्रिक आसानी से मार सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और जो भी स्टेप्स मैं बताऊँगा, जो भी पॉइंट्स बताऊँगा उसको अच्छी तरह से फॉलो करना है एंड उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। फिर भी एक बार के लिए मैं अपना कस्टम HUD आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो नाउ स्ट्रेट टू पॉइंट नंबर 2। तो गाइस पॉइंट नंबर 2 है रेड डॉट पोजीशन, ठीक है। मतलब कि भाई जब आप फायर करते हो तो आपका रेड डॉट का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, एनिमी का किस पार्ट में होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आपको पॉइंट नंबर 5 समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड गाइस ये रेड डॉट जो है, ये रेड डॉट आपको एनिमी का बॉडी में कहाँ रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको रखना है एनिमी का मेन पॉइंट के पास में एंड चेस्ट के पास में, ठीक है, तो ही आपका हेडशॉट लगेगा। आपको गलती से भी नहीं रखना है, मतलब आपको गलती से भी लेग के पास में नहीं रखना है, वरना आपको जंप हेडशॉट नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो भाई लोग बिना देरी के अब हम बढ़ते हैं अपना पॉइंट नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है डिस्टेंस, ठीक है। देखो गाइस किसी भी गन से हेडशॉट मारने के लिए डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो भाई लोग अगर एनिमी शॉर्ट गन लेके आया है आपके सामने में और एनिमी आपका बहुत ही ज़्यादा क्लोज रेंज में है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज रेंज में है, तो आपको क्या करना है, आपको
एम को जो रेड डॉट है उसको उसका चेस्ट में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको जंप करके उसको फायर बटन को दबाना है ताकि आपका जो सारा का सारा गोली है ना वो सब जाके हेड में लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है आपको जब एनिमी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रेंज में हो तो आपको रखना है उस एम को चेस्ट के पास में, ठीक है। उसके बाद में आपको हल्का सा जंप करके बस फायर बटन को ड्रैग कर देना, आपका सारा का सारा गोली लग जाएगा हेड पे। और अगर एनिमी बहुत ही ज़्यादा दूर में है तो कोशिश करो या तो चेस्ट में रखो या फिर चेस्ट से नीचे में रखो। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख ही रहे हो तो वीडियो को कर दो एक लाइक यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपना टिप्स नंबर 4 के तरफ, जो कि है इनस्कोप प्लस जंप प्लस ड्रैग एंड फायर, ठीक है। तो भाई लोग आपको मैं सिंपल सा समझा देता हूँ आपको करना क्या है। आपको स्कोप खोलना है उसको, और स्कोप को एनिमी का या तो पेन पॉइंट के पास रखना है या तो फिर चेस्ट के पास रखना है। उसके बाद आपको सिंपल सा जंप करना है, उसके बाद आपका जो फायर बटन है ना उसको ड्रैग कर देना है, ठीक है। इससे होगा क्या, इसका आपका जो बुलेट है आपका जो गोली वो सबका सब जाके हेड में लगेगा। और गाइस ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है ना, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ेगा। तो गाइस आपको करना क्या है, मैं जो भी आपको टिप्स बताए हूँ अभी तक इतना दूर तक जो भी टिप्स मैंने बताया आपको, आपको क्या करना है इन सारे टिप्स को फॉलो करना है एंड 7 दिन तक रेगुलर प्रैक्टिस करना है। गाइस मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 7 दिन प्रैक्टिस करने के बाद भाई आप UMP का किंग ही बन जाओगे, आपका सारा का सारा गोली हेड पे लगेगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर देना एक लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, और गाइस वीडियो को अपना दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय।